सरकारी रंजिश को लेकर युवक के साथ जमकर मारपीट हुई थी। पुलिस ने साधारण मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन आरोपियों से भयभीत पीड़ितों ने आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती धाराएं बढ़ाने की मांग करते हुए गिरफ्तारी की बात कही है। उक्त मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जाता है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे जुला निवासी साकेत ने बताया कि विगत दिनों मजदूरी कर वह अपने घर जा रहा था। जैसे ही दुर्गा मंदिर के पास पहुंचा, तभी उसके पीछे आरोपी छोटू और समीर साकेत पुरानी बात को लेकर मारपीट शुरू कर दी थी। इस दौरान उसे गंभीर चोट पहुंची थी। मारपीट करने वालों में अन्य आरोपी भी शामिल थे, लेकिन उनके खिलाफ साधारण धाराएं लगाई गई हैं, जिसके चलते हुए अभी भी धमकी दे रहे हैं। आइए सुनाते हैं, पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे घायलों ने क्या मांग की है। क्या घटना हुई है? घटना हुई है, हम काम कर रहे थे, घर जा रहे, छुट्टी के शाम घर जा रहे थे, दुर्गा थी वहाँ रास्ते में, जी छोटू मिले, मनी से हमको छोड़ने गया, मेरा चचेरा भाई है, छोड़ने गया, उसके बीच में ड्राइवर ने कैसे किया, कट मारा दो पहिए, उससे विवाद किया दुर्गा मंदिर के पास, फिर जब अकेले पाके मेरे को पीछे से बार कर दिए हैं, अब धमकी दे रहे हैं मारने के लिए, आज भी धमकी दे रहे हैं। उसके थाने की घटना है ये, सिटी कोतवाली थाने की, थाने में किए थे जी, वहाँ कोई कुछ नहीं, आपने जो हम जो मैं बोल रहा था वो मेरे मन के लिखे ही नहीं। कौन कौन मारा, कौन कौन है? ये छोटू है और समीर। छोटू कहाँ रहने वाले हैं? ये सब जुगला के निवासी हैं। क्या करते हैं? सब ऐसे कोरे से गांजा पीते हैं, बस लूटते मारते हैं, बस यही काम धंधा, बाकी कुछ ही नहीं है। एसपी साहब से मुलाकात हुई है जी? क्या बोलूँ साहब, बोले कि अब हम करेंगे जी। सर पट्टा बंदूक दिखाते, सब पट्टा बंदूक पहले भी कर चुके हैं। श्रीहान साकेत दशहरा के दिन फिर बोला कि मैं आपको मर्डर करूंगा, एक बलि तो दे कर जाऊंगा। एक बार दो महीना बाद जेल से भी आया है, ये कैदी है, पूरी इसमें पूरी सबूत है।